Please subscribe to my channel Essa Kitchen and don't forget to hit the bell icon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum friends. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स. आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चॉकलेट मोचा केक. जिस तरीके से मैंने बनाया है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल सी रेसिपी. इसके लिए मैंने बिल्कुल भी ओवन का बेकिंग ओवन का इस्तेमाल नहीं किया. कुकिंग रेंज में भी केक जो है वो बहुत स्पॉन्जी और बहुत सॉफ्ट बनाया है. मैं आपके साथ कटिंग करती हूँ और शेयर करती हूँ. मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें नए मेरे फ्रेंड्स और कमेंट करें. चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कटिंग. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें माशाल्लाह कितना कलरफुल बना है. कितना नरम बना हुआ है. बड़ा मज़ेदार है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा. एक कप गरम मिल्क लेंगे और एक टेबलस्पून कॉफ़ी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से. हाफ कप कंडेंस मिल्क ले रही हूँ मैं. हाफ कप कुकिंग ऑयल मिक्स कर लेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से. एक कप मैदा, एक टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून मीठा सोडा, हाफ कप कोको पाउडर, आधा कप शुगर पाउडर, वो जो हमने कॉफ़ी मिल्क बनाया था थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे. बहुत अच्छे से मिक्स हो गया. ये देखिए हमें ऐसी ही चाहिए थी. केक सांचे में मैंने बटर पेपर जो है वो लगा के ग्रीस कर लिया था. सारा मटेरियल इसमें डाल देंगे, टैप टैप कर लेंगे. 15 मिनट पहले मैंने इस इतनी फ्लेम पे जो है वो पतीले को रख दिया था गर्म होने के लिए. इस तरीके से कोई भी चीज़ हम अंदर रख के तो केक अंदर रख देंगे. सेम ऐसे ऊपर कोई भी रुमाल वगैरह डालकर. फोर्टी फाइव मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे. 10 मिनट हम उसी आंच पे रखेंगे और उसके बाद हम बिल्कुल लो कर देंगे. बिल्कुल कुक हो गया है माशाल्लाह. अच्छा से अब इसको निकालते हैं. काफी गर्म है. अभी काफी गर्म है. इसको हम आधा घंटा. बड़ा अच्छा माशाल्लाह से कुक हो गया है. रिमूव कर लेंगे बटर पेपर, ऊपर से लेवल्ड कर लेंगे. देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी बना हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट. अब हम इसको सेंटर में से काट लेते हैं लेयर बनाने के लिए. थोड़ा गरम गरम ही काट लें और इसके बाद हम इसको ठंडा होने देंगे. एक कप गर्म पानी लेंगे, दो टेबलस्पून उसमें शुगर डालेंगे, वन टेबलस्पून कॉफ़ी डालेंगे, शुगर सिरप बन जाएगा. मिक्स करेंगे अच्छे से.
1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है, ये थोड़ी ज़्यादा ठंडी हो गई है, और इसमें मैं 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस, 2 टेबल स्पून मैंने व्हिपिंग क्रीम जो है वो गर्म कर ली है, उसमें हम ग्रैंड चॉकलेट डालेंगे, ये हाफ कप है, थोड़ी थोड़ी डाल के तो मिक्स करते जाएंगे अच्छे से, अच्छी हो गई है ये व्हिपिंग क्रीम, व्हिप हो गई अच्छे से, हमने इस तरीके की हमें चाहिए, ज़्यादा ठंडी लेने का ये फ़ायदा है कि बहुत जल्दी हो जाती है, तकरीबन 5 मिनट में ये डबल हो गई है, हल्की सी व्हिपिंग क्रीम नीचे लगाएंगे, शुगर सिरप जो हमने बनाया था वो डालेंगे अच्छे से, लेयर करेंगे, शुगर सिरप लगाएंगे, साइड्स पे लगा के साइड्स कवर करेंगे, जो चॉकलेट हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम हम बैग में डाल लेते हैं डेकोरेशन के लिए, इस तरह बैग में डालकर हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा क्रीम को आगे लेते जाएंगे, केक को हमने फ्रिज में रख लिया था, अब इसको डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चॉकलेट मोचा केक जो है वो बिल्कुल रेडी है, इसको हम फ्रिज में 4 घंटे के लिए रखेंगे ताकि सेटल्ड हो जाए करीम अपनी जगह, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, हमें दुआओं में याद रखें, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।